हेलो देरा, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाले हैं अपने GTA San Andreas में रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड। तो यार ये वाला जो ग्राफिक मोड है ये आपके GTA San Andreas के विजुअल्स को पूरी तरह से चेंज कर देगा। इवन कि आपके GTA San Andreas में जितने भी टेक्सचर वगैरह हैं और कार के जितने भी टेक्सचर हैं वो सारे टेक्सचर को भी चेंज कर देगा और आपको जो GTA San Andreas है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा ये ग्राफिक मोड इंस्टॉल करने के बाद। और इस ग्राफिक मोड की खास बात ये भी है कि आप अपने लो एंड PC पे इस ग्राफिक मोड को ईजिली रन कर सकते हैं। तो यार ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक मोड है GTA San Andreas के लिए जो आज के स्टूडियो में इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने GTA San Andreas गेम में। और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। तो यार बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है आज की, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे नहीं आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो GTA San Andreas में ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा GTA San Andreas का रिक्वायर्ड फाइल और ग्राफिक्स मोड फाइल। तो दोनों फाइल्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक 100% वर्किंग है। तो सबसे पहले आपने GTA San Andreas के रिक्वायर्ड फाइल को इंस्टॉल करना है। तो रिक्वायर्ड फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपने GTA से रिक्वायर्ड फाइल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू GTA से रिक्वायर्ड फाइल पर क्लिक कर देना है। और हमारी जो रिक्वायर्ड फाइल है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड फाइल का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने ही फाइल्स हैं इन सब फाइल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपने अपने GTA San Andreas के फाइल लोकेशन को ओपन करना है। तो GTA San Andreas के आइकन पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉपी एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। तो आपने रिप्लेस दी फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हमारी जो फाइल्स हैं वो कॉपी हो गई हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने अपने GTA San Andreas में ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल करना है। ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल करने के लिए आपने ग्राफिक्स मोड वाले फाइल पर राइट क्लिक करना है और इसे भी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें जितनी ही फाइल्स हैं सब फाइल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अगेन आपने अपने GTA San Andreas की फाइल लोकेशन को ओपन करना है। राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे को सेम वैसे ही ऑप्शन आएगा कॉपी एंड रिप्लेस वाला। तो आपने रिप्लेस दी फाइल्स इन द डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नाउ हमारे जो GTA San Andreas ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल हो गया है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर एक स्टेप और करना है। तो आपने क्या करना है, अपने GTA SA वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को GTA _SA देखने को मिलता है। तो आपने _ को यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे माइनस कर देना है। तो उसके बाद आपने एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक स्टेप और करना है। तो उसके लिए आपने स्टार्टअप SP वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसे एडिट मोड पर ऑन कर लेना है। एडिट मोड पे ऑन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को GTA _SA.exe देखने को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से भी _ को बैक करना है। बैक करने के बाद आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है। माइनस लगाने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे सेव हो गई हैं। तो हमारे GTA San Andreas का ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए प्ले करते हैं अपने गेम और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा जो GTA San Andreas का ग्राफिक्स मोड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो GTA San Andreas है वो स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो गेम के ग्राफिक्स और विजुअल्स हैं वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और हमारा जो गेम है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग हमारे गेम के रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, हमारे कार के जो टेक्सचर रिफ्लेक्शन वगैरह हैं ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और इवन कि हमारे जो GTA San Andreas का ग्राफिक्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है नॉर्मल GTA गेम से। तो यहाँ पे आप लोग गेम के स्काई को भी देख सकते हैं, वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। एंड इवन कि हमारे गेम के जो रिफ्लेक्शन वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं और यहाँ तक कि हमारे गेम में जो NPCs वगैरह हैं और जितने भी कार्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो शेडोज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं और यहाँ पे हमारे को रोड डिस्टेंस भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब एक सेटिंग्स और बताता हूँ। तो आपने शिफ्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपकी जो ENV सेटिंग्स फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग ओरिजिनल प्रोसेसिंग को ऑन कर सकते हैं, कलर करेक्शन को भी ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रे पास को भी इनेबल कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपने ब्लूम को ऑफ़ कर देना है, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ़ कर देना है और मोशन ब्लर को ऑफ़ कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गेम है वो और ज़्यादा ब्राइट हो गया है और हमारे जो गेम के ग्राफिक्स हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे GTA San Andreas का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो गया है। और आप अपने GTA San Andreas में मिशंस वगैरह कर सकते हैं और अपने GTA San Andreas में मॉड्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।